हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ समर स्किन केयर के बारे में। कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे जो हमारी स्किन को ना बहुत ज्यादा डैमेज कर देती हैं। ह्यूमिडिटी, हीट ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है एंड ऊपर से ये सनलाइट हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। प्लस डेली बेसिस पे हम ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स कर देते हैं इससे हमारी स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसी स्किन केयर मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने ऑलरेडी की है, अभी भी मैं कभी कभी कर देती हूँ। सो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कौन सी मिस्टेक्स हैं स्किन केयर मिस्टेक्स जो हमको बिल्कुल अवॉइड करनी है स्पेशली फॉर समर। ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक इज कि हम भूल जाते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। यस, समर्स में भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है ना, क्योंकि पसीना आता है तो स्किन बहुत चिपचिपी रहती है, तो ऐसे में हमें लगता है कि मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ही नहीं है। फेस पे तो हम फिर भी चलो लगा लेते हैं बट हम पूरी बॉडी को निगलेक्ट करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। एक्चुअली हमको अपनी स्किन को भी मॉइस्चराइज करना है, अपने हैंड्स को, अपने फीट को, पैरों को, मतलब अपनी बॉडी को पूरा मॉइस्चराइज करना है। स्वेट वगैरह आता है, चिपचिपा लगता है, बट उसमें क्या होता है ना, हमारी स्किन और ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है और ज्यादा मॉइस्चर हमारी स्किन का लूज होता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम और नरिशमेंट प्रोवाइड करें अपनी स्किन को। और जब हम सोप्स वगैरह यूज करते हैं समर्स में, है ना, नहाते हैं, सोप्स यूज करते हैं, तो हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में मुझे बेस्ट क्या लगता है कि आप ऐसी सोप्स यूज करो जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर हो, जैसे कि ये मामा अर्थ की नीम मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। दिस इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। इसमें बहुत सारे वेरियंट्स और भी हैं बट दिस इज माई फेवरेट क्योंकि इसमें है नीम एक्सट्रैक्ट जो हमारी स्किन को प्योरीफाई करता है, हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। टी ट्री ऑयल है जो हमारी स्किन को इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन से बचाता है। इसमें है ऑलिव ऑयल जो हमारी स्किन को डीपली नरिशमेंट मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। सो ये चीज मुझे बेस्ट लगती है। ये सोप भी है और एक लोशन भी है, सो दो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। इट क्लेंजेस लाइक अ सोप एंड नरिशेस लाइक अ मॉइस्चराइजर। सो ऐसे में क्या होता है, आपका एक स्टेप कम हो जाता है। आपने सिंपली बस सोप से नहाया एंड हो गया, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज कंप्लीटली सेफ। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये सोप बनी हुई है। एंड यू ऑल नो मामा अर्थ एक अपना जाना माना इंडियन देसी ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। सो आप इसको बिना टेंशन फ्री यूज कर सकते हो, सभी स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। एंड मैं तो इसको अपनी अर्णिका के लिए भी यूज करती हूँ, मेरी बेटी भी इसको यूज करती है। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, समर्स में बड़ा सही रहता है कि आप बस सिंपली नहाओ और कोई मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप में ही ये सोप पूरा काम कर देती है। एंटी बैक्टीरियल नीम सोप है ये, तो डीपली क्लीन भी होती है, हमारी स्किन प्योरीफाइड रहती है एंड मॉइस्चराइज रहती है फॉर लॉन्ग आवर्स। 24 आवर्स तक हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। सो दिस सोप क्लेंजेस, प्योरीफाइज एंड नरिशेस ऑल इन वन वॉश। सो जरूर ट्राई करना, आप इसको ले सकते हैं मामा अर्थ के किसी भी ऑफलाइन स्टोर से, या फिर ऑनलाइन लेने के लिए आप mamaearth.in या फिर मामा अर्थ की ऐप से ले सकते हैं। वहां पर आप मेरा कूपन कोड भी जरूर यूज कर लेना, aanchal2024। ऑल्सो ये फ्लिपकार्ट, एमेजोन, पर्पल, नाइका पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं। सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक जरूर करना। सो मॉइस्चराइजेशन इज मस्ट क्योंकि इस समर में हमारी स्किन काफी ज्यादा डैमेज होती है, काफी ज्यादा स्वेट वगैरह निकलता है, तो जो एसेंशियल ऑयल्स हैं हमारी स्किन के वो सब रिलीज हो जाते हैं। सो ऐसे में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर रखें। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक इज डूइंग टू मच फॉर योर स्किन, यूजिंग टू मेनी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे सीरम्स आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता क्या यूज करें क्या नहीं करें। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है समर्स में स्पेशली, वैसे तो सभी सीजन के लिए मैं ये बोल रही हूँ। जो ये सीरम्स आते हैं ना, अगर आपको सच में कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड ही आप कोई सीरम यूज कीजिए, अदरवाइज अगर आपकी स्किन को जरूरत नहीं है ना तो प्लीज मत यूज कीजिए। सीरम के ऊपर सीरम, देन क्रीम, देन मॉइस्चराइजर, देन अपना सनस्क्रीन, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स एक बार में यूज मत कीजिए क्योंकि आपस में बिना ये रिएक्ट करके हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारी स्किन पे हैवी हो जाते हैं कई बार। तो इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, जितना आपकी स्किन को जरूरत है ना उतना कीजिए, बेयर मिनिमम। मतलब अगर आपकी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है तो बस उतना कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है ना तो उसपे इधर उधर के सीरम्स अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पिगमेंटेशन का इश्यू है जैसे, तो आप पिगमेंटेशन के लिए कोई सेपरेटली सीरम यूज कर सकते हैं। जो आपका मतलब स्किन कंसर्न है, स्किन प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड ही आप यूज कीजिए, प्रॉपर रिसर्च करके तभी यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए अगर आपकी स्किन को जरूरत नहीं है। जैसे मेरी स्किन में प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा इश्यू है, मेरी स्किन टैन बहुत जल्दी होती है एंड डार्क स्पॉट्स बहुत जल्दी आते हैं मेरी स्किन पे, एंड पिंपल्स के भी इश्यू हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मुझे सीरम्स की जरूरत है बट
मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत हैवीनेस लगती है अपने फेस पे। जब भी मैं बहुत सारे सीरम्स यूज़ करती हूँ तो पिंपल्स और ज़्यादा आ जाते, तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, सिर्फ कोई जेल बेस्ड क्रीम लगा लेती हूँ, टी ट्री जेल बेस्ड क्रीम। समर्स में वो बेस्ट रहती है, पिंपल्स भी नहीं आते एंड स्किन आपकी फ्रेश फील करती है। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में कोई ऐसे इश्यूज नहीं है तो आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए। सीरम के ऊपर सीरम, देन मॉइस्चराइजर, इतनी सारी चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीरम यूज़ करो बस, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज कर लो एंड देन अपना सनस्क्रीन, बस इतना काफी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक इज स्किपिंग सनस्क्रीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात अभी कर रही थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं, बट सनस्क्रीन जरूर लगाना है, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन। मैं कभी भी सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, अभी भी मैं कई बार ना सनस्क्रीन को स्किप कर देती हूँ, अप्लाई नहीं करती हूँ बाहर जाने से पहले, मतलब भूल जाती हूँ या आलस कर जाती हूँ लगाने में। बट सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बोलते हैं कि घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाओ, घर के अंदर तो मैं नहीं लगाती हूँ, बट हाँ जब मैं बाहर जाती हूँ या फिर जब मैं ऐसे शूट करती हूँ लाइट्स के सामने, क्योंकि ये लाइट्स भी बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं स्किन को, तब मैं सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करती हूँ। एंड मिनिमम 50 SPF का आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। मेरी आईज, मेरी स्किन ये बहुत सेंसिटिव है, मेरी आईज में से ना पानी आने लगता है, बहुत वाटरी हो जाती है जब भी मैं कोई अपने फेस पे कोई भी चीज लगाती हूँ, एंड स्पेशली सनस्क्रीन लगाने से, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत तो केमिकल्स होते ही हैं। बट ममा अर्थ की जो सनस्क्रीन है ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं mamaearth.in पे। सो यस, नेक्स्ट मिस्टेक यही है स्किपिंग सनस्क्रीन। इसको हम बहुत इजिली करेक्ट कर सकते हैं सनस्क्रीन को अप्लाई करके। सनस्क्रीन जरूर 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 लगाइए। नेक्स्ट मिस्टेक इज बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई करना ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में जब आप ऐसे किसी वेदर में जा रहे हैं जहां पर एसी नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, गर्मी बहुत है, ऐसे में अवॉइड कीजिए हैवी मेकअप को। बहुत लाइट मेकअप आप कर सकते हैं, बीबी क्रीम वगैरह यूज करो या फिर पाउडर वगैरह यूज करो, बट हैवी बेस मत रखिए, हैवी मेकअप अपने स्किन पे मतलब अप्लाई कीजिए, बहुत सारी लेयर्स मत यूज कीजिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जब आप बाहर जा रहे हैं पसीना आ रहा है तो आपके पोर्स और ज्यादा ओपन होते हैं, एंड उस केस में आपका जो मेकअप है आपकी स्किन को अंदर से डैमेज कर रहा होता है और आपकी स्किन और ज्यादा खराब दिखने लगती है, टेक्सचर आपका खराब होने लगता है। सो कोशिश कीजिए हैवी मेकअप आप ना करें, स्पेशली अगर आप एयर कंडीशन में अगर आप हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप ऐसे वेदर में है जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एंड पसीना आ रहा है कंटिन्यूसली, तो ऐसे में मेकअप करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो वैसे भी धुलने वाला है। सो प्लीज अवॉइड दैट, आप लाइट मेकअप कीजिए एंड सोने से पहले अपने मेकअप को क्लीन जरूर कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं हमेशा करती हूँ। शूट किया मैंने, उसके बाद मैं अपना मेकअप निकालना आलस आ जाता है और मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही, और ऐसे ही सो जाती हूँ या फिर बस ऐसे ही टिश्यू से हटाया और सो गई। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से क्लीन करना है अपने फेस के पूरे मेकअप को, डबल क्लींजिंग, मतलब दो बारी आपको एटलीस्ट वॉश करके पूरा मेकअप निकालना है एंड देन अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ स्किन केयर रूटीन एट ऑल। मतलब एक स्किन केयर रूटीन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, मॉर्निंग का एंड नाइट का। दिन में आप क्या लगा रहे हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में आप क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज करने वाले हैं अपने फेस के लिए, है ना। बहुत ज्यादा मत यूज कीजिए, बस एक मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन काफी होता है। फेस वॉश किया, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। ये रूटीन आप अपना फिक्स रखिए, ये आपको करना ही करना है, राइट। एंड देन नाइट में सोने से पहले भी आपको अपनी स्किन को जरूर वॉश करना है एंड सेम चीज फेस वॉश कर लीजिए एंड देन मॉइस्चराइजर, कोई सीरम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइजर से पहले। सनस्क्रीन लगाने की आपको जरूरत नहीं है रात में, लेकिन सोने से पहले अपने फेस को क्लीन जरूर रखिए। एक मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन आपको मतलब डेडिकेटली फॉलो करना है। अगेन ये मिस्टेक मैं बहुत ज्यादा करती हूँ अभी भी। दिन में तो चलो ठीक है, मॉर्निंग में मेरा रूटीन हो जाता है, बट रात में मैं आलस कर जाती हूँ और ऐसे ही बस पानी से फेस धोया और सो जाती हूँ। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, हम सभी करते हैं, बाहर का खाना हम बहुत खाते हैं, ऑयली फूड, जंक फूड एंड ठीक से पानी नहीं पीना। पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी है, अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो पानी पीते रहिए, खूब पानी पीजिए एंड बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, ऑयली जंक फूड को, स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे भी हमारी स्किन पे ना बहुत फर्क पड़ता है। हमारा गट अगर क्लीन होगा ना तो हमारी स्किन पे वो चीज दिखेगी, और ये चीज मैंने खुद से बहुत समझी, क्योंकि मैं स्पाइसेस वगैरह बहुत ज्यादा खाती थी, अचार वगैरह खाना, जंक फूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, पिज्जा वगैरह मैं बहुत खाती हूँ, उसकी वजह से ना मेरे फेस पे पिंपल्स भर जाते थे। बट जब से मैंने ये चीजें छोड़ी है ना एंड पानी पीना शुरू किया है, तब से मेरी स्किन क्लियर होनी शुरू हुई है। मुझे कॉमेंट्स भी मिल रहे थे अभी कुछ दिनों पहले ना कि मेरी स्किन में मैंने क्या यूज किया है जो मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है, पहले से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, मुझे भी
ऐसा लगता है। मैंने कोई ऐसे खास प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे हैं, बस ये एक चीज है जो पानी पीने वाली मैंने बात बोली, पानी पीजिए एंड जंक फूड और स्पाइसी फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए तो आपकी स्किन अपने आप ही अच्छी होने लगेगी। ओके गाइस, ऐसे कुछ समर स्किन केयर टिप्स, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में से कौन सी वाली मिस्टेक्स आप अभी तक कर रहे थे, कौन सी आपको ठीक करनी है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरी सबसे ज्यादा जो मिस्टेक मैं करती हूँ ना वो है सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली, मैं बिल्कुल सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हूँ। सो आप भी ये गलतियां मत करना एंड कुछ आपके पास टिप्स है ना समर से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज इसको थम्स अप जरूर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी, मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रेंड। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।